जनवरी महीने में कौन कौन सी सब्जियां हम अपने छत पर उगा सकते हैं, कब उनकी सीडलिंग स्टार्ट करनी है, कब उन्हें ट्रांसप्लांट करना है, किस साइज के ग्रो बैग में कौन सी सब्जी हमें उगानी है और कैसी मिट्टी किस सब्जी के लिए हमें तैयार करनी है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जनवरी में हम वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जनवरी में हम आप महीना छोड़िए, आप टेम्परेचर देखिए। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर शाम के वक्त 15 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा का रहता है तो आप जो भी सब्जियां मैं बता रहा हूँ उन्हें अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जो सब्जी है जिसकी बात हम करेंगे उनको आप एवरग्रीन मानिए, टमाटर। दोस्तों टमाटर आप जनवरी के मंथ में या 15 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस हो तो आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी सीडलिंग अगर अभी आप कर देते हैं तो 15 से 20 दिन में आपको सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगी और जनवरी लास्ट तक आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने सीडलिंग से बड़े ग्रो बैग में। दोस्तों टमाटर के पौधे के लिए आप कम से कम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए या गमला लीजिए, और अगर आपके पास उससे बड़े ग्रो बैग्स हैं तो और बेटर है। टमाटर की फुल केयर कैसे करनी है इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो आप टमाटर अभी लगा सकते हैं। दूसरा पौधा जो है दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि हरी मिर्च, आप हरी मिर्च की सीडलिंग भी कर सकते हैं। कई वैरायटी में हरी मिर्च आ रही हैं अभी, आप देखते होंगे मार्केट में, तो आप हरी मिर्च की भी सीडलिंग कर सकते हैं। हरी मिर्च भी आपको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से उग जाएंगी और अच्छी खासी फ्रूटिंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि मिट्टी कैसी तैयार करनी है अपने इन सभी वेजिटेबल्स जो हम बता रहे हैं इनको लगाने के लिए। तीसरा दोस्तों आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन भी आप कई प्रकार के हैं मेरे टेरेस पे आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखेंगे। ये जो मार्केट में आपको छोटे वाले बैंगन दिखते हैं सब्जी वाले, ये दिख रहे हैं आपको, कई पौधे इनके लगे हुए हैं। इसके बाद ये वाइट बैंगन है, आप इनको कलौजी के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर इनकी भी आप सब्जी पकौड़ी कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर ये आपको जो लंबे वाले बैंगन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बैंगन को अपने छत पर सब्जियों की तरह उगा सकते हैं। इनके लिए ग्रो बैग आप 12 बाई 12 का रखिए, अगर 15 बाई 15 के ग्रो बैग में रखते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बैंगन की भी सीडलिंग आप कर दीजिए और जनवरी लास्ट तक आप इनको ट्रांसप्लांट कर लीजिए अपने ग्रो बैग्स में। इसके बाद दोस्तों आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च भी लाल पीली हरी कई प्रकार में आ रही हैं, तो आप शिमला मिर्च लगाइए और शिमला मिर्च भी आपको फल देगी 12 बाई 12 के ग्रो बैग में, वो भी आराम से लग जाती है और उनमें ढेर सारी फ्रूटिंग मिलती है। फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं पत्ता गोभी, देखिए 12 बाई 12 के मेरे गमले में लगी हुई है, आप गमले की साइज़ देखिए, इस 12 बाई 12 के गमले में पत्ता गोभी लगी हुई है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पत्ता गोभी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसको हम इस प्रकार अभी घुमा के तोड़ लेंगे, देखिए मेरी पत्ता गोभी कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी बनी हुई है इसमें, और आप गमले की साइज़ देख लीजिए 12 बाई 12 के गमले में लगी हुई है। तो आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। हाँ जब मौसम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो पत्ता गोभी या फूल गोभी फिर अच्छे से बन नहीं पाती हैं। इसके अलावा आप फूल गोभी लगा सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी गांठ बनी है फूल गोभी की। तो आप फूल गोभी भी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। मैंने इसे भी हार्वेस्ट करना है क्योंकि ये अच्छे से बन चुकी है, तो ये फूल गोभी मेरी ये भी मैंने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा रखी है। तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी भी अभी लगा सकते हैं। फिर दोस्तों आप भिंडी लगा सकते हैं, भिंडी की भी आप सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए, और आप अगर बड़ा प्लांटर है आपका तो 1 फुट की दूरी पे 8 से 10 इंच की दूरी पे आप एक पौधा लगाइए, या फिर
छोटे ग्रो बैग है तो 12x12 का इस तरह का अगर आपका ग्रो बैग है तो आप इसमें 2 से 3 पौधे भिंडी के आराम से लगा सकते हैं। तो भिंडी भी लगा सकते हैं आप, भिंडी आप 40 से 50 दिन के अंदर आपको भिंडी में लगाने के, ट्रांसप्लांट करने के, आपको भिंडी फिर हार्वेस्ट करने को रेडी मिलती है, तो आप भिंडी भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बेल वर्गीय कुछ सब्जियां जिन्हें कि हम अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो बेल वर्गीय सब्जियों में दोस्तों सबसे पहला नाम जो आता है वो करेले का है, आप करेला लगा सकते हैं और उन्हें इस प्रकार क्रीपर नेट पे चढ़ा सकते हैं तो आपके बहुत ही अच्छी करेला आपके टेरेस गमलों में मिलने लगेगी। तो बेल वर्गीय सब्जियों के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ग्रो बैग कम से कम मिनिमम 18 इंच का लीजिए, 18x18 का, और अगर 24x24 का लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसमें मिलेगा। तो आप करेला लगा सकते हैं, करेला के अलावा आप लौकी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी गोल वाली लौकी है, ढेर सारे इसमें फल लगे हुए हैं, कुछ मैंने हार्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप लौकी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप तरोई और नैनुआ भी लगा सकते हैं इस, और आप कद्दू की कुछ वैरायटी आती हैं तो कद्दू भी आप लगा सकते हैं बेल वर्गीय सब्जियों में। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोबिया या बीन्स भी लगा सकते हैं, इनके लिए भी आप जो रेक्टेंगुलर शेप में ग्रो बैग्स आते हैं या फिर इस प्रकार थर्मोफॉर्म पार्ट जो है हमारा जिसको हमने थर्मोकॉल उससे बनाया फिश बॉक्स से, तो आप इनमें भी लगा सकते हैं। आप इनमें लगाइए लोबिया या बीन्स, इस प्रकार की सब्जी इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय लगाएंगे तो आपको मार्च लास्ट या अप्रैल तक लोबिया तोड़ने को मिल जाएगी और बहुत अच्छी लोबिया होती है हमारे गार्डन में। फिर दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो आप इस समय इस मौसम में लगा सकते हैं, लहसुन भी लगा सकते हो आप और उसके अलावा प्याज। लहसुन और प्याज के लिए जो आप ग्रो बैग सेलेक्ट करते हो उसकी जो गहराई होती है वो 8 से 9 इंच हो तो सफिशियंट होता है, उसमें काफ़ी अच्छी गांठें बन जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्याज लगाई है, 2 दिन पहले, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप देखिए आप प्याज भी लगा सकते हैं और लहसुन अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो लहसुन भी आप लगा सकते हैं अभी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आप धनिया लगाइए, धनिया ऑल टाइम है, कभी भी आप लगा सकते हो तो धनिया लगाइए आप। धनिया के लिए भी आपको ग्रो बैग की साइज जितनी उसकी एरिया ज़्यादा हो उतना बेहतर है, गहराई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया के अलावा आप पत्तेदार सब्जियों में पालक लगा सकते हैं, आप पालक के लिए भी सेम साइज का ग्रो बैग 8 से 9 इंच की गहराई सफिशियंट होती है। फिर उसके अलावा आप लाल भाजी या हरी चौलाई अपने छत पर गमलों में लगा सकते हैं अभी गर्मी जनवरी के महीने में। तो ये जो भी पत्तेदार सब्जियां लीफी वेजिटेबल्स हैं इन्हें आप डायरेक्ट गमलों में लगाइए, जिस भी ग्रो बैग में लगाना है, क्योंकि इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करना होता है, तो आप इन्हें डायरेक्ट लगाइए और 40 से 50 दिन में ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आप मूली लगाइए और आपको अपने गमलों में काफ़ी अच्छी मूली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। आप देखिए इस प्रकार मेरे गमलों में जो मेरे फल के पौधे हैं उन्हीं गमलों में मैंने मूली भी लगा दी हुई है और आप देखिए अच्छी खासी मूली मुझे हार्वेस्ट करने को मिल रही है, तो आप मूली भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वेजिटेबल्स थे जिन्हें अभी इस समय हम अपने टेरेस पे लगा सकते हैं और अप्रैल मार्च लास्ट या अप्रैल तक हम फिर इनसे हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी वेजिटेबल्स मैंने बताई दोस्तों, अगर आपके पास स्पेस है, आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो इन वेजिटेबल्स को ज़रूर लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों हमें मिट्टी कैसी बनानी है। तो अब दोस्तों धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जनवरी लास्ट के बाद से फरवरी में टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी में नमी बनाए रखनी होती है। तो अब जो हमें मिट्टी बनानी है वो इस प्रकार बनानी है कि मिट्टी हमारी मॉइस्चर होल्ड करके रखे। तो आप मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी तैयार कीजिए। वो तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% कोकोपीट और 30% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उसमें ऐड कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों मैं 12x12 इंच के गमले की साइज़ के हिसाब से बताऊँ तो एक गमले में 1 से 2 मुट्ठी आप नीम खली पाउडर, एक मुट्ठी बोन मिल पाउडर
और उसके अलावा आप अगर आपके पास सीवीड है तो एक एक चम्मच सीवीड ग्रैनुलस डाल लीजिए, और सरसों खली थोड़ी सी यूज कर लीजिए, और इन सबको यूज करके आप अपनी मिट्टी तैयार कीजिए और उसमें अपनी ये सब्जियां लगाइए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। जैसे कि मैं आप देखिए मेरे बैंगन के पौधों में कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं, और आपके पौधों में भी इतने फल आएंगे कि आप तोड़ते थक जाएंगे पर वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप मिट्टी तैयार करके उनमें बीज लगाइए, और जब आपके पौधे लग जाते हैं तो आप कंपोस्टिंग और गुड़ाई का खास ख्याल करना होता है। हफ्ते में 10 दिन पे एक बार गुड़ाई जरूर करें गमले की मिट्टी की, और 15 से 20 दिन में एक बार कंपोस्टिंग इसमें जरूर करें। कंपोस्टिंग करने के लिए आप लिक्विड कंपोस्ट सरसों की खली का ले सकते हैं, उसका वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। या फिर आप अगर नहीं है आपके पास लिक्विड कंपोस्ट तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। 12x12 इंच के ग्रो बैग में आप 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के गुड़ाई कर दीजिए और फिर वाटरिंग कर दीजिए। पौधे बहुत ही अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक टिप और बता देता हूँ कि जैसे ये देखिए मेरा एक ग्रो बैग है जो मैंने अभी लेटेस्ट परचेज किया है, तो इसमें पूरी तरह से मिट्टी भरना बहुत ही भारी हो जाता है और मिट्टी बनाना भी मुश्किल होता है। तो मैंने इसे इस प्रकार रख दिया है, और मेरे किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है या मेरे छत से जो पत्तियाँ या वेस्ट निकलती हैं सारी चीज़ें मैं इसमें डालता जा रहा हूँ। जब ये ग्रो बैग आधा भर जाएगा पत्तियों से या जो भी वेस्ट है पके हुए अनाज को छोड़कर आधा भर जाएगा, फिर मैं इसमें मिट्टी भर दूंगा ऊपर से और उसमें मैं अपने पौधों को लगा दूंगा। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हमारे गमले का वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और जो मिट्टी होगी वो नीचे से जब वो पत्तियाँ गलेंगी तो उसमें कंपोस्ट की कमी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक मिट्टी पौधों को मिलती रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी अपने गमलों को तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।